सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे अपनी कोई भी ओल्ड बाइक अगर आपकी है तो कैसे आप लोग उसकी परफॉर्मेंस जो है बहुत ही इजीली इंक्रीज़ कर सकते हो, बहुत ही स्मूथ चला सकते हो और आप लोग को एकदम नई जैसी फील आने वाली है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला। चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बस आप लोग को कुछ चीज़ें करनी होती हैं जिससे आप लोग की ओल्ड बाइक भी जो है परफॉर्मेंस अच्छी देने लगती है। आप लोग को वो चीज़ें नहीं पता होती हैं, खासकर कुछ चीज़ें तो ऐसे पॉइंट मैं आप लोग को बताऊंगा जो आप लोग बहुत मतलब बहुत कम लोग ये करते होंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहला पॉइंट आता है, वो आता है टायर। क्योंकि अब देखो आप बहुत से लोग होते हैं बाइक पुरानी होती है टायर पर ध्यान नहीं देते हैं, और मेन चीज़ जिससे इंपैक्ट क्रिएट होता है बाइक में वो होती है टायर। क्योंकि रोड से जो है वही चीज़ जो है हट के चलती है जिसके कारण हम लोगों को स्मूथनेस फील होती है। सबसे पहले टायर अगर आप लोग को बहुत पुराना हो गया है, घिस गया है, तो आप लोग को वो स्मूथनेस फील नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो है शार्प्स जो पैटर्न बने होते हैं ये बिल्कुल ख़त्म हो चुके होते हैं, जिसके कारण हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो बाइक वगैरह स्लिप होती है, ब्रेक वगैरह अच्छे से नहीं लगते हैं। तो मेक श्योर कि आप लोग जो बाइक का टायर है वो हर 12 से 13 किलोमीटर में अगर चेंज कराते हैं तो करवाते रहिए। टायर चेक करने का एक बहुत ज़्यादा ईजी तरीका है जिससे आप लोग कॉइन डाल के दे सकते हो, 10 रुपीज़ का कॉइन ले सकते हो। अगर जो उसका 10 लिखा होता है वो अंदर चला गया तो आप लोग का टायर अभी नहीं चेंज कराने लायक है, और अगर नहीं गया बाहर ही रहा तो आप लोग अपना टायर चेंज करा लो। जो बाइक में मेन चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो जिससे हम लोग को स्मूथनेस फील होती है, वो होती है क्लच और एक्सेलेटर का कॉम्बिनेशन। अब होता है कि कभी अभी क्लच जो है बहुत ज़्यादा टाइट या ढीला हो जाता है, क्लच छोड़ते हैं तो पिकअप जो हम लोग को नहीं मिलता है, या एक्सेलेटर बहुत ढीला हो जाता है जिससे हम लोग को पिकअप बिल्कुल नहीं मिलता है, तो ये हमेशा चेक कराते रहिए। एक्सेलेटर फायर और क्लच फायर भी आप लोगों को हमेशा चेक करवाना है, क्योंकि बहुत जल्दी जो है चीज़ें खराब होती हैं जो कि रिप्लेस हो जाती हैं बहुत कम प्राइस में। तो आप लोग ये जो है इसका कॉम्बिनेशन देखते रहोगे, ये थोड़ा बहुत इसमें जो है 1 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, जैसे देख सकते हो फ्री प्ले है, और इसमें भी 1 से 2 सेंटीमीटर का गैप फ्री प्ले होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग इंजन। बाइक का इंजन जो है वो बाइक का एक तरह से हार्ट होता है, क्योंकि वही जो है बाइक को कंट्रोल करता है, वही बाइक को चलाता है। तो आप लोगों को इंजन ऑयल जो है हमेशा अच्छा क्वालिटी का दिलाना चाहिए, ताकि आप लोग का इंजन ज़्यादा हीट ना करे। ज़्यादा हीट करेगा तो उसके पार्ट जल्दी डैमेज होते हैं, जैसे कि पार्ट डैमेज होंगे तो आपकी बाइक जो है आवाज़ बहुत करेगी। तो आप लोग को जो इसका इंजन है, इसका इंजन ऑयल बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का दिलाना है। और अगर आप लोग कूलेंट वाली बाइक है तो कूलेंट हमेशा चेक कराते रहिए। वैसे अगर एयर कूल्ड बाइक है तो आप लोग आगे जो है कोई ऑब्स्ट्रक्शन जिससे कि जो इंजन है वो कवर हो जाए ऐसी कोई भी चीज़ मत लगवाइए। आप लोगों को ये 3 चीज़ें अच्छी लगी होंगी, मतलब 3 चीज़ जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा फॉलो करना। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही हमारे जो वीडियोस हैं आते रहेंगे बाइक के परफॉर्मेंस के ऊपर। आज के इतना ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।